बलिया के सिकंदरापुर थाना क्षेत्र के बसारेपुर गांव की एक महिला का दाम्पत्य जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो पेंटिंग बनाना महंगा उस वक्त पड़ गया जब महिला के पति और ससुराल के लोगों ने उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल दिया और पागल भी कहा। महिला पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बीच पीड़िता को पता चला कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है तो वह दो दिन पहले अपने ससुराल पहुंच गई। इससे नाराज पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी जिससे वह वहीं पर बेहोश की हालत में पड़ी थी। इस घटना की जानकारी जब पीड़िता के पिता को लगी तब डायल 100 नंबर को सूचित कर मामला पुलिस तक पहुँचाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। और हमारी बच्ची शुरू से ही पेंटिंग बनाती रहती थी, पेंटिंग में इसका गॉड गिफ्टेड है। और अचानक जो है कि एक दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी जी का फ़ोटो बना के अपने पति को दिखाई तो उस पर वो लोग आग बगोला हो गए, गुस्सा हो गए कि मोदी जी योगी जी का फ़ोटो बनाती है। उस पर उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया। मैंने बहुत समझाने का कोशिश किया लेकिन वो लोग नहीं माने और कई दफ़ा पंचायत किए तभी भी वो लोग नहीं माने तो मैं थाना सिकंदरपुर में केस किया जो उसका चल रहा है। अचानक हमारी लड़की को जब मालूम हुआ कि उसका पति तीसरी शादी करने जा रहे हैं तो अपने ससुराल पहुंच गई कि अपने सास ससुर को मैं मना लूँगी, लेकिन उसके सास ससुर देवर ननद भौजाई वगैरह मिल करके उसको मारे पीटे, सीढ़ी से धक्का दे दिए जिसको उसको चोट लगा। फोटो में बनाए है हमारा सामने फोटो दिखाए है कि बनाए है हमको पागल पागल फोटे है तो हम घर से निकाल के मार के भगा दिए। हमारे संज्ञान में आया था ये मामला और कल ही हमने एसपी से बात किया था इस संबंध में। ये तो गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कानूनी रूप से। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इस बारे में निर्णय आया है कि इसी प्रकार से किसी को आप तलाक नहीं दे सकते, किसी भी कारण से तलाक पर रोक लगी है। तो हमने एसपी को कल ही कहा और उसमें कार्रवाई भी हुई है, केस दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसमें कार्रवाई हो रही है कानूनी।